नमस्कार दोस्तों, अगर आपके भी सोयाबीन की फसल में रिंग कटर या गर्डल बीटल की समस्या आती है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सोयाबीन में लगने वाले रिंग कटर या गर्डल बीटल की समस्या से छुटकारा कैसे पाए। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा जरूर बने। दोस्तों, हमारी सोयाबीन की फसल में 25 दिन से लगाकर 65 दिन के अंतराल में सबसे ज्यादा रिंग कटर या गर्डल बीटल का प्रकोप जो है देखने को मिलता है, जो कि सोयाबीन के उत्पादन को लगभग 35-40% तक कम कर देता है। इसलिए सर्वप्रथम इसका रोकथाम बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमें कुछ ऐसी कीटनाशक का उपयोग करना होगा जिनका रिजल्ट हमें अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा मिले। तो सर्वप्रथम एक ऐसे टेक्निकल के बारे में बात करें जिसका रिंग कटर में बहुत शानदार रिजल्ट हमें मिलता है, और वो है लेम्बडा और थायोमेथिक साम, जो कि सिंगेंटा कंपनी में अलिका के नाम से आता है और अदामा कंपनी में एनोलिक नाम से आता है, जिसमें कि थायोमेथिक साम 12.6% प्लस लेम्बडा साई हेलोथ्रीन 9.5% दिया जाता है, जो कि एक पावरफुल सिस्टमिक कीटनाशक है। यह रिंग कटर में बहुत अच्छे से काम करता है। इसको आप 1 ml प्रति लीटर पानी में, यानी 80 से 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से सोयाबीन की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, यह टेक्निकल बहुत सारी कंपनियों में आता है जिसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप रिंग कटर के लिए बायर का सोलोमन क्यूनाल्फोस या प्रोफेनोफोस को भी ले सकते हैं, परंतु अगर आपको सर्वाधिक रिंग कटर का प्रकोप देखने को मिलता है तो आप सिंगेंटा अलिका को 60 से 80 ml 1 बीघा के हिसाब से जरूर डालें, तभी आपको शानदार रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, इस दवाई को आप अपनी सोयाबीन की 15 से 20 दिन की अवस्था में ही डालें, क्योंकि इस अवस्था में पौधे का तना नाजुक होता है और इसी अवस्था में ही रिंग कटर अपना प्रकोप दिखाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके अपने सोयाबीन की फसल में बहुत अधिक रिंग कटर या गर्डल बीटल का प्रकोप देखने को मिलता है तो आप इन दवाइयों का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी फसल में भयंकर इल्लियों का अटैक होता है तो उसके लिए एक रामबाण दवाई के बारे में एक वीडियो हमारे चैनल पर आने वाला है, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।